तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन और रात का तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। आगे भी अब गर्मी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कूलर और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि एसी और कूलर चलाने से वायरस फैल सकता है। इस मैसेज के बाद लोग गर्मी से तो जूझ रहे हैं, लेकिन वो एसी और कूलर नहीं चला रहे। कई पाठकों ने इस संबंध में सवाल भी पूछे। इस बारे में पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एसोसिएट प्रोफेसर रविंद्र खैवाल ने पाठकों की इस उलझन को दूर किया। प्रोफेसर रविंद्र खैवाल ने बताया कि अभी तक इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि तापमान बढ़ने से वायरस पर असर पड़ता है। इसलिए लोगों को लगता है कि अगर एसी और कूलर ऑन कर दिया जाएगा तो तापमान कम होगा और वायरस फैलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग एसी और कूलर को ऑन कर सकते हैं। यह वायरस संक्रमित इंसान के छींकने या खांसने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट से फैलता है। ऐसे में जो लोग संपर्क में आएंगे उसमें यह वायरस पहुंच सकता है, लेकिन जो मास्क पहने होंगे उस तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने बताया कि एसी ऑन करते वक्त वैट ऑन कर दे, इससे बाहर की हवा आएगी और लोगों को ताजी हवा भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि एसी को चलाने से पहले फिल्टर को डिटर्जेंट से साफ कर ले, इससे फिल्टर में फंसे फंगस और बैक्टीरिया भी निकल जाएंगे। फिल्टर को साफ करते वक्त मुंह में मास्क और हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।